नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की राजनीतिक लड़ाई हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन शुक्रवार को नजारा कुछ बदला सा था। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बजट सत्र के दौरान अरविंद केजरीवाल की खूब तारीफ की। वहीं मुख्यमंत्री ने भी पुराने गिले शिकवों को मामूली बताकर लोकतंत्र के सम्मान की बात कह डाली। उपराज्यपाल ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में बोलने की कुछ मर्यादाएं टूटी हैं, लेकिन इससे संबंध नहीं टूट सकते। कई बाधाओं के बाद भी केजरीवाल सरकार ने अच्छे काम किए हैं। मैं अब बात कहना चाहता हूं जो एक पेड़ ने हवा के लिए कही है, वो मेरे पत्ते रोज गिराती है पर उससे मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। इस पर सीएम केजरीवाल ने कहा, मैं जानता हूँ कि बहुत मामूली बातें हैं, लेकिन लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए। यदि 2 करोड़ लोगों ने सरकार को चुना है तो उसे काम करने देना चाहिए। यदि आप काम नहीं करने देंगे और काम के बीच बाधा बनेंगे तो यह ठीक नहीं है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।